question is one of the famous questions from the chapter Chemical Equilibrium. Which of the following is or correct about the equilibrium of a reaction? First, delta G is equal to 0. Catalyst does not affect the position of equilibrium. Q is equal to K. Equilibrium constant is independent of initial concentration of reaction. हमें बोला है कि हम अगर कोई भी इक्विलिब्रियम रहते हैं तो उसमें इन सब में से कौन सी स्टेटमेंट सही होती है. पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि डेल्टा जी इज इक्वल टू जीरो. एंड ये चीज़ हमने पढ़ी है कि जो चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी होता है वो इक्विलिब्रियम पे हम उसे जीरो मान के चल जीरो हो जाता है. सो फर्स्ट स्टेटमेंट तो हमारा करेक्ट है. सेकेंड स्टेटमेंट बोल रहा है कैटलिस्ट डज नॉट अफेक्ट द पोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम. ये बात भी सच है. ये चीज़ हमने ले चैटलियस प्रिंसिपल से पढ़ी थी. बाय ले चैटलियस प्रिंसिपल कि इन कैटलिस्ट का एज सच कोई इफेक्ट नहीं पड़ता पोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम में. बस वो स्पीड ऑफ द इक्विलिब्रियम मतलब एक रिएक्शन को इक्विलिब्रियम अटेन करने में हेल्प करता है कि वो रिएक्शन ज़्यादा जल्दी से जल्दी इक्विलिब्रियम रिएक्शन अटेन कर सके. तो बाय ले चैटलियस प्रिंसिपल ये बात ट्रू है कि कैटलिस्ट का कोई इफेक्ट नहीं होता पोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम पे. थर्ड स्टेटमेंट बोल रहा है Q इज इक्वल टू K. हमने ये चीज़ पढ़ी है. ये तीन कंडीशंस हमने पढ़ी थी रिएक्शन को रिएक्शन क्वेश्चन के टाइम पे कि जब Q हमारा लेस देन K होगा तो फॉरवर्ड डायरेक्शन होगा. फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा हमारा इक्विलिब्रियम रिएक्शन. Q जब ग्रेटर देन K होगा तो वो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा. और जब Q हमारा K से इक्वल Q और K हमारा इक्वल हो जाएगा तो वो स्टेज हमारी इक्विलिब्रियम स्टेज हो जाएगी. तो जो थर्ड स्टेटमेंट है वो हमारा वो भी सही है. थर्ड स्टेटमेंट बोल रहा है इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्शन. ये स्टेटमेंट भी सही है. हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट इज नॉट अफेक्टेड बाई एडिशन ऑफ एनी मटीरियल या रिमूवल ऑफ एनी मटीरियल इन द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट. सो आवर फोर्थ स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट. सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज डी विच इज द रिक्वायर्ड आंसर. थैंक्स फॉर वॉचिंग केम शिक्षा. प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल.